हम बना रहे हैं चाइनीज चिकपी। बड़ा अच्छा स्नैक्स है और बहुत हेल्दी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाएगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बॉइल्ड चिकपीज ले लिए हैं, वाइट वाले चने जो होते हैं बॉइल्ड करके ले लिए हैं। इसको बहुत मैशी सा नहीं करेंगे बॉइल्ड, बहुत देख के और बहुत अच्छे से करेंगे। गले हुआ है वैसे, आप एक भी किसी को उठा के देखेंगे, ये देखिए गले हुआ है। बस इतना ही करेंगे कि खड़े खड़े हो जाए। अब इसके अंदर हम एक चम्मच राइस फ्लोर डालेंगे, एक चम्मच मैदा, थोड़ा बड़ा स्पून लिया है मैंने, 1.5 चम्मच मैदा लिया है मैंने, और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं डालिए, नहीं डालना चाहते हैं अवॉइड कर सकते हैं। राइस फ्लोर और कॉर्नफ्लोर में भी ये हो जाएगा। इसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, बहुत 1/4 टेबल स्पून है, ज़्यादा नहीं लेंगे। इसको हम इस तरीके से करते हुए मिक्स कर लेंगे। साइड बाय साइड हमने ऑयल गर्म करने रख दिया है। थोड़ी सी इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दूंगी, इसका भी अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करते हुए पानी डाल के हम इसको कोट कर लेंगे। देखिए कोट हो गए अच्छे से। अब इधर ऑयल देखते हैं, चेक कर लेते हैं, ऑयल भी गर्म हो गया, ऑयल अभी थोड़ा सा और गर्म हो जाए। देखिए बार चेक करते हैं, हो गया है। अब इसमें एक एक करके हम इसको कोशिश करेंगे इसको अलग अलग डालें, एक 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 धीरे धीरे डालेंगे। गैस को सिम टू मीडियम रखेंगे। गैस थोड़ा तेज कर लेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हो गए हैं, हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से करते हुए हम और भी डाल लेंगे और वो भी कर लेते हैं। देखिए ये निकल दिए हैं सारे। अब हमने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हम फ्राई कर लेते हैं इसको, गैस में ऑयल डालेंगे, फैलाते हुए डालेंगे। अच्छे से फैला लेते हैं, गैस को मीडियम रखेंगे। सबसे पहले हम लाल गार्लिक डाल देते हैं, जिंजर हाफ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून गार्लिक डाला है, हाफ टेबल स्पून जिंजर, ग्रीन चिली, थोड़ा सा गार्लिक और डाले थी, गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कुछ स्टर कर लेते हैं अच्छे से, ज़्यादा नहीं भुनेंगे, 1-2 मिनट ही भुनेंगे आप, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इसका सिर्फ सोते करना हमने, ज़्यादा नहीं इसको वो करना। उसके बाद इसके अंदर ऑनियन शेल्स डाल लेंगे तरीके से करते हुए, कैप्सिकम डाल लेंगे, सब कुछ स्टर कर लेते हैं। गैस को तेज रखेंगे, ग्रीन ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन जिसको हम बोलते हैं वो भी डाल लेंगे। करेंगे इसको वाइट पेपर डाल दिया, ये 1/2 टेबल स्पून अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी डालना है। ये तो थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दी मैंने, नमक हमने उसमें भी डाला हुआ है इसलिए देख के ध्यान से डालिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम डाला है, आप अपना क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देख के डालिएगा कि तेज नहीं हो जाए नमक, क्योंकि नमक हमने उसमें भी डाला हुआ है फ्राई करने में। स्टर कर लेते हैं इसको, ये देखिए हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसके अंदर सॉस डालते हैं, थोड़ा सा रेड चिली सॉस डाला है 1 टेबल स्पून,
टेबल स्पून ही डार्क सोया सॉस है। टमाटो केचप है 1 चम्मच। विनेगर है 1 से 1.5 टेबल स्पून डाला है। पाउडर है, अगर ये आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ये देखिए हो गया, गैस को सिम कर लेंगे। तो इसके अंदर ये चने डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन और डाल देते हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ती, इसको अच्छे से स्टर कर लेते हैं तरीके से। सबको हल्के हाथों से करेंगे, बहुत गैस को तेज कर लेंगे। हमारे चाइनीज चने रेडी हैं। ये बहुत यूनिक रेसिपी है, कुछ अलग है, इसको आप जरूर ट्राई करिएगा। ये पार्टी स्टार्टर के लिए और वैसे भी छोटी भूख के लिए, डिनर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको आप ट्राई करिएगा, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है। और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा बना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।